नमस्कार, एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा कि किस तरह से एक गांव की सभ्यता से छोटे 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 जनपद और फिर महाजनपद डेवलप हो गए। हमने ये भी देखा कि इन सभी महाजनपदाज में धीरे धीरे बिंबसार और उनके बेटे अजातशत्रु ने मगध को सबसे शक्तिशाली बना दिया। मगध अब क्योंकि दूसरे जनपदाज में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, समय खिसकता गया और 400 बीसी के आसपास नंद रूलर्स, नंद किंग्स इस पावरफुल मगध पे रूल कर रहे थे। नंद एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ राज्य करते थे, वो अपनी जनता से बहुत बड़ा टैक्स वसूलते थे और पूरे भारत में उनका मुकाबला दूसरे जनपद कोई भी कर नहीं पाते थे। नंद शासकों में बहुत बड़ा घमंड हो चुका था। उधर ये वही समय था जब सिकंदर पूरे विश्व की विजय के अभियान पर निकल चुका था। सिकंदर भारत में प्रवेश कर चुका था। इंडस के आसपास की ये बात है और उन्हीं दिनों में जब राजा पुरु ने उनको रोकने की कोशिश करी तो वे बहुत छोटी सेना थी उनकी, तो वो विफल रहे थे। उस समय एक आचार्य जो कि बहुत सारे नामों से विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीन चार नामों से हम उनको जानते हैं, वे नंद शासकों के पास, धनानंद के पास सहायता मांगने आए। उनका ये प्रस्ताव था क्योंकि नंद आर्मी बहुत ताकतवर है, तो अगर सभी भारतीय राजा मिलजुल करके एक विदेशी से लड़े तो वो सिकंदर को रोक सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। सहायता करना तो दूर की बात, धनानंद ने विष्णुगुप्त का अपमान किया और चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने एक शपथ ली कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। और बच्चों, इतिहास गवाह है कि जब एक अध्यापक ठान लेता है तो वो बड़ी से बड़ी क्रांति ला देता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे दुनिया में हैं और उन्हीं में से सबसे पहला उदाहरण सामने आता है चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त का। विंध्याचल पर्वत के किसी छोटे से गांव में उन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन में खेलते देखा और उन्होंने देखा कि यह बालक प्रतिभा का धनी है। उसमें उन्होंने बचपन में ही वो सारे लक्षण देखे जो एक राजा में होने चाहिए। उन्होंने धनानंद का तख्ता पलटने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए जो शपथ खाई थी उसकी पूर्ति का सपना उन्होंने चंद्रगुप्त में देखा।
और इस तरह से इस बालक को उन्होंने ट्रेनिंग दी और पहले तो विदेशी का मुकाबला किया, यानी कि सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोका और फिर उसके बाद धनानंद को परास्त किया और इस तरह से 322 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। चंद्रगुप्त की मां का नाम मुरा था। अधिकतर इतिहासकारों का यह मानना है कि इसीलिए इस साम्राज्य का, इस एम्पायर का नाम पड़ा मौर्य। द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य वर बिंदुसार एंड अशोक। फ्रेंड्स, द एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर अशोक, बट दिस माइटी एम्पायर क्रम्बल्ड अंडर इट्स ओन वेट आफ्टर अशोक। दिस इवन टिल टुडे इज अ मिस्ट्री। हाउ कुड सच अ वास्ट एम्पायर that reached its peak at such a rapid speed crumbled at the same pace? मैं आपको एक बार मैप पर लिए चलता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं मौर्य एम्पायर की विशालता आपको। देखिए, लगभग पूरा भारत, थोड़ा सा दक्षिण भारत अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा आज का पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को अगर आप छोड़ देते हैं और कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा अगर आप छोड़ देते हैं, लद्दाख का थोड़ा सा और थोड़ा कश्मीर का हिस्सा अगर आप छोड़ दें, तो इतना विशाल था ये एम्पायर। लेकिन जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि अशोक ने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बेटे बेटियों को भी उसने उसी प्रचार में लगा दिया, और क्योंकि उसके बाद कोई बहुत ताकतवर रूलर नहीं था, इसीलिए ये साम्राज्य जितना जल्दी ऊंचाई पर पहुंचा था उतना ही जल्दी फिर इसका पीक भी आने के बाद इसका पतन भी हो गया। आइए एक एक करके हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार और उसके बाद अशोक के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि इट इज नोन दैट मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322। सी, ही वॉज द मोस्ट एबल रूलर। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एबलेस्ट इन फैक्ट, एंड ही फाउंडेड द एम्पायर एज आई हैव टोल्ड यू बाय overthrowing the Nandas, the Nanda dynasty, that was Dhanananda, the last ruler. And it was all done because Dhanananda ill-treated a teacher, Vishnugupta. See, even after that, we have already talked about that such were the circumstances created by the Almighty and of course Vishnugupta that
अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज्ड टू प्रोसीड फर्दर एंड ही हैड टू लीव द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड विक्ट्री एंड ही हैड टू अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक। जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे तो उन्होंने सेलुकस निकेटर को, जो कि उनके सेनापति हुआ करते, उनको यहां पर छोड़ गए वो। और सेलुकस निकेटर के पास इंडस वैली और इंडस रिवर के वेस्ट का पूरा एरिया, यानी कि पंजाब का भी कुछ हिस्सा सेलुकस के साम्राज्य में था। और जब नंद राजाओं को हराया तो उस समय चंद्रगुप्त के पास लगभग पूरा मध्य भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आजकल ये बाद में शामिल हुआ, यही वो कलिंगा था जिसकी वजह से कलिंगा युद्ध हुआ। फिर यहां तक का एरिया, उत्तर प्रदेश तक का एरिया शामिल था। और चंद्रगुप्त का फिर ध्यान उस तरफ हुआ कि सेलुकस निकेटर को अब खदेड़ने का समय आ चुका है। और सेलुकस निकेटर को उन्होंने 305 बीसी में हराया। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सेलुकस निकेटर की बेटी थी हेलन, इस हार के बाद उन्होंने हेलन की शादी चंद्रगुप्त से की। उन्होंने बहुत सारा खजाना, हाथी, घोड़े भी हर्जाने के रूप में चंद्रगुप्त को दिए। और इस समय काबुल, कंधार, गंधार, पर्शिया, यहां तक का साम्राज्य अब शामिल हो गया था मौर्य एम्पायर में। अभी अभी इस समय तक विंध्या पार नहीं किया था, ये इस तरफ दक्षिण की तरफ जो राज्य का विस्तार किया, ये किया बाद में उनके बेटे बिंदुसार ने, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। इस तरह से ही रूल्ड फॉर 25 इयर्स, 25 साल राज्य करने के बाद वे एक जैन साधु बन गए और अपने बेटे बिंदुसार को साम्राज्य सौंप करके वो तपस्या करने चले गए। इस तरह से हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि उनके बेटे बिंदुसार अब सम्राट बन जाते हैं, और उधर तो उनको पहले से ही नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान का पूरा हिस्सा उनको मिला था, लेकिन जो ईस्ट बंगाल का हिस्सा था ये बिंदुसार ने जीता, ईस्ट बंगाल और फिर दक्षिण में ये यहां से इधर का ये पूरा हिस्सा ये बिंदुसार ने जीता, लेकिन अभी भी एक हिस्सा बाकी रह गया था, कलिंग, आजकल का जो उड़ीसा है। अभी चंद्रगुप्त और बिंदुसार इसको नहीं जीत पाए थे, और बिंदुसार एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके समय एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ हो गया था। ये वही समय था जब मौर्य एम्पायर के पड़ोसी देशों से भी बहुत अच्छे संबंध हो चुके थे, और एक बार फिर से ग्रीक, सीरिया और इजिप्टियन सभ्यताओं से खूब व्यापार होने लगा था, इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अशोक,
इस पर मतभेद है कि अशोक किस प्रकार से राजा बनते हैं, किस प्रकार से सम्राट बनते हैं। अशोक के बचपन के बारे में बहुत कुछ इतिहासकारों को जानकारी है नहीं, बस अचानक वहां से पता चलता है कि जब वो बड़ा हो चुका है और भाई भाइयों में आपस में एक होड़ लगी हुई है, विशेषकर सुसीम और अशोक में, कि राजा कौन बनेगा। और सुसीम बड़ी एक चालाकी करते हैं कि वो अशोक को, क्योंकि अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनको भी ये पता है कि पिता अशोक की बहादुरी से ज्यादा प्रभावित है और वो उसको ज्यादा योग्य मानते हैं, तो पिता उसको राजा बना सकते हैं, इसलिए वो रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलते हैं और वो अशोक को वहां भिजवा देते हैं जहां सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही थी। और उन्होंने अशोक की झूठी बड़ाई करके के पिताश्री इसके लिए तो सबसे ज्यादा योग्य अशोक ही है और उनको भेजा जाना चाहिए, इस तरह से वो कह करके और अशोक को सेना लेकर के युद्ध लड़ने भिजवा देते हैं, ये सोच करके कि अशोक शायद इस युद्ध में मारे जाए। आइए हम थोड़ा सा मैं आपको लिए चलता हूं और इन चित्रों की सहायता से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अशोक आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां वो कहते हैं कि सुसीम कहते हैं, वी मस्ट डू समथिंग टू गेट अशोक आउट ऑफ द वे, वी विल बी अदरवाइज ही विल बी मेड द नेक्स्ट किंग, लेट्स आस्क फादर टू सेंड हिम टू तक्षशिला। तक्षशिला में क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही थी तो तक्षशिला में अशोक को भेजना सही था, और उन्होंने अपने फादर को इस बात के लिए सहमत कर लिया। यहां बिंदुसार भेज रहे हैं अशोक को, जाओ बेटा जाओ तक्षशिला, तुरंत जाओ और विद्रोह को दबाने में सफल होना। तो इस तरह से अशोक चले गए तक्षशिला, और इसी बीच बिंदुसार ज्यादा बीमार हो गए, और फिर सुसीम जो कि अशोक से बड़े थे वैसे, वो बिंदुसार के पास बैठ करके और उनको कन्विंस करते हैं कि अब क्योंकि आप डेथ बेड पे हैं तो अब मुझे राजा बना दीजिए। देखिए यहां वो कह रहे हैं कि फादर यू आर रियली सिक, प्लीज मेक मी योर सक्सेसर सो दैट आई कैन कैरी योर लिगेसी फॉरवर्ड। इस तरह से जैसे कोई पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है, तो जैसे ही पिता ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि पिता ने मुझे राजा बना दिया, राजा बना दिया। और डेथ बेड पे थे वो, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया था, लेकिन वो ये कहते हुए बाहर निकल आए कि पिताश्री ने मुझे राजा बना दिया, राजा बना दिया। और इस तरह से उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। मिनिस्टर्स जो थे वो सपोर्ट करते थे अशोक को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अशोक से कि आप राजा बनने लायक हो और पिता ने भाई सुसीम को राजा नहीं बनाया है, इसीलिए राजा आपको ही होना चाहिए। तो इस तरह से अशोक ने फिर पाटलिपुत्र पे अटैक किया, क्योंकि याद रखिए कि वो उस समय राजधानी से बाहर थे। उन्होंने ही डिफीटेड एंड किल्ड हिज ब्रदर्स, ही देन बिकेम द किंग एंड एक्सपेंडेड फॉर ऑलमोस्ट 8 years। देखिए
इतिहासकार इसे दो तरीके से देखते हैं। अशोक के शुरुआती दिनों के इतिहास को जब आप बौद्ध ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उन्होंने अशोक को कोई अच्छा राजा नहीं बताया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के बारे में दो तरह के मत मिलते हैं। शुरुआती जो समय था अशोक का राजा के रूप में, उस समय उसको भाइयों को मारने वाला, भाइयों को मार करके राज्य हथियाने वाला, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं, और ये कुछ हद तक सच भी है। शुरुआती दिनों में अशोक युद्ध में विश्वास करने वाला था, उसका बचपन ऐसे ही बीता था, तो बहुत फर्क पड़ता है कि जैसा बचपन बीतता है वैसे ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो वो बहुत वायलेंट रहा करता, वायलेंस में उसका बहुत विश्वास था, युद्ध में बहुत विश्वास था। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ, कैसे ये बहुत बड़ा बदलाव एक साथ हुआ। अशोका टर्न्ड टू बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर एंड ही एंश्योर्ड दैट एवरीवन इन हिज किंगडम फॉलोड द सेम। ये दो रूप उसके देखने को मिलते हैं। शुरुआती दिनों में केवल युद्ध युद्ध युद्ध। यहां मैं आपको एक और तस्वीर पे लेके चलता हूं, जहां कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जब वो लाशों के बीच में बैठा है, देखिए ये अशोक है, और लाखों सैनिक मारे गए थे। इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि कलिंग में केवल औरतें और बुजुर्ग ही या बच्चे बचे थे, और कोई युवा शेष नहीं रह गए थे युद्ध लड़ने के लिए। इस तरह से लाशों के बीच में अशोक बैठे हुए हैं, और उस दिन उन्होंने शपथ ली थी कि इसके बाद वो कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। हुआ भी ऐसा ही, इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोका गॉट बुद्धास टीचिंग्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स एज एडिक्ट्स। ही रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज द देवप्रिया बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। बाद में उसी राजा को देवप्रिय भी बताया गया है, जिसको शुरुआती दिनों में केवल युद्ध का एक पर्यायवाची माना जाता था, वॉयलेंस का एक पर्यायवाची माना जाता था। वही बाद में इस तरह से इतना बड़ा बदलाव आया, और शायद यही कारण था कि इसके बाद, क्योंकि उसने अपने बेटे और बेटियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया, तो कोई योग्य शासक नहीं रह गया था इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए। ये उस समय का मौर्य एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उस समय पूरी दुनिया में इतना विस्तृत कोई दूसरा साम्राज्य नहीं मिलता। तो आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए भी तो योग्य शासक चाहिए था, और फिर उसके बाद योग्य शासक मिला नहीं, तो फिर इट क्रम्पल्ड अंडर इट्स ओन वेट। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है, और हम आगे आफ्टर द मौर्य एम्पायर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और इन छह बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। अशोका कंडक्टेड धर्म यात्राज, अशोका अपॉइंटेड स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म
महामाता अशोका सेंट मिशनरीज टू फॉरेन कंट्रीज अशोका एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमंस एनिमल्स एंड ही यूज्ड पाली ये एक बहुत बड़ा कारण था अशोका के सफल होने में कि उन्होंने जो लोगों की आम भाषा थी पाली उसका यूज किया क्योंकि लोग संस्कृत को उतना समझ नहीं पाते थे बहुत कम लोग संस्कृत जानते थे उस समय अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र टू रिमूव डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बुद्धिज्म देखिए अशोक के इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा इन पांच बिंदुओं पर ध्यान दीजिए दे टेल अस अबाउट अशोकाज रिलीजियस बिलीफ्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रिलीजन रिलीजियस टॉलरेंस दे टेल अस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर इन फेमस कलिंगा एडिक्ट दे हेल्प अस गिविंग इंफॉर्मेशन एंड आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर द एडिक्ट ऑल्सो टेल अस पाली और प्रकृत पाली कहो या प्रकृत कहो एक ही चीज है नॉट संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड दीज पिलर्स एडिक्ट्स केव्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी इस तरह से देखिए एक बार मैं आपको अशोकन पिलर और लॉइन कैपिटल आपको दिखा भी देता हूं ध्यान दीजिए एक बार और अब हम थोड़ा सा अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र बहुत कुछ बता देता है उस समय के समाज के बारे में उस समय के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में और उनके अलावा मेगस्थनीज एक यात्री थे जो उस समय घूमने आए थे तो मेगस्थनीज ने जो अकाउंट्स दिए उससे भी हमें अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में उस समय के रिलीजन के बारे में और सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है अशोक सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड था राजा खुद हेड था वो खुद ही चीफ जस्टिस भी था लेजिस्लेटिव का भी वो हेड था सारे एग्जीक्यूटिव पार्ट्स भी उसी के पास थे और द किंग वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिसाइड्स वर सम रेफर्ड एज उनको अध्यक्ष बोलते थे कौटिल्य रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स लाइक दोज ऑफ गोल्ड स्टोर हाउसेज कॉमर्स एग्रीकल्चर शिप्स काउज होर्सेज चैरियट्स इन्फेंट्री सिटी एटसेट्रा और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में देर वॉज एन ऑफिसर कॉल्ड युक्ता हु वॉज परहैप्स द सबोर्डिनेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द किंग इस तरह से आप देखिए अध्यक्ष अमात्य महामात्य और राजोकसाज ये सब हेल्प किया करते और इससे पहले कि हम इस वीडियो का समापन करें मैं एक बार आपको सांची का स्तूप दिखाना चाहता हूं सांची का स्तूप ये अशोका पिलर जो कि वैशाली में है और फिर तो मैंने आपको बताया कि 185 बीसी के आसपास मौर्य एम्पायर का पतन हो जाता है और भारत फिर से छोटे 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 राज्यों में बट जाता है दैट वी शैल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज After the Maurya Empire. Thanks for joining.